का वो राजमहल जो हमारी कहानी प्रेम योग का जन्मदाता है। भारत की आजादी के बाद देश के रियासतों के राजाओं से उनकी हुकूमतें छीन ली गई थी, लेकिन इस महल में अभी तक महाराज छत्रपाल सिंह की हुकूमत बरकरार है। राज ज्योतिषी के ज्योतिषानुसार आज वो दिन है जिस दिन महाराज छत्रपाल सिंह के यहां बेटे का जन्म होना निश्चित है। प्रजा अपने होने वाले युवराज का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही। इधर महाराज भी वर्षों बाद राजमहल में आने वाली खुशी को देखने के लिए बेचैन है। युवराज का जन्म हुआ, युवराज का जन्म हुआ। बधाई हो महाराज, महारानी जी ने युवराज को जन्म दिया है। जी महाराज, युवराज का चेहरा देखने से पहले हम उनका भविष्य जानना चाहेंगे। युवराज की जन्म कुंडली बनाई जाए। सुबह से रात हो गई, सारा महल रोशनियों से जगमगा उठा, लेकिन राज ज्योतिषी अभी तक युवराज की कुंडली बनाने में उलझे हुए। राज ज्योतिषी जी महाराज, आप इतनी देर तक कुंडली में क्या देख रहे हैं? ऐसी क्या बात है जो आप बोल नहीं पा रहे? महाराज, हमारी ज्योतिष विद्या के अनुसार आप इस राजगद्दी के अंतिम महाराज होंगे। राजोशी क्षमा महाराज, युवराज की कुंडली में राजयोग है ही नहीं। असंभव, राजयोग नहीं है तो हम राजयोग बनाकर दिखाएंगे। बदल डालेंगे हम जन्म कुंडली को, हमारे बाद युवराज ही राज करेंगे इस राज्य पर। युवराज राज करेंगे महाराज, मगर राजगद्दी पर नहीं, लोगों के दिलों पर। नहीं, युवराज ने हमारे वंश में जन्म लिया है लोगों पर राज करने के लिए, उनके दिलों पर नहीं। मगर उनकी कुंडली में राजयोग नहीं है महाराज, प्रेम योग है। प्रेम योग जब जन्म राज घराने में हुआ है तो युवराज की जन्म कुंडली में राजयोगी होना चाहिए। राजयोगी होगा, प्रेम योग नहीं। युवराज को राजगद्दी पर बैठकर ही लोगों पर राज करना होगा, उनके दिलों पर नहीं। हम युवराज को राजा बनाकर रहेंगे, बदल देंगे कुंडली के प्रेम योग को राजयोग में। वक्त गुजरने लगा, बचपन से ही युवराज के पालन पोषण में सावधानी बरती जाने लगी। उन्हें यही सिखाया जाने लगा, वो राजकुमार हैं, इस राज्य के होने वाले राजा हैं, वो साधारण लोगों से अलग हैं, इसलिए उन्हें आम जनता से दूर रहना चाहिए। उनके बचपन को शाही बंदिशों में जकड़ दिया गया, उनके जज्बात को राजघराने के उसूलों में बांध दिया गया। वे कहीं जा नहीं सकते, किसी के साथ खेल नहीं सकते, किसी से मिल नहीं सकते। इतने पहरे लगा दिए गए उनके चारों तरफ कि वे पहरे उन्हें कैदखाने के अंधेरे लगने लगे। ऐशो आराम सब थे, लेकिन युवराज को उन्हें भोगने में कोई
खुशी महसूस नहीं हो रही थी। बंधन, बंदिशें, पहरे उसके छोटे से दिमाग में हलचल मचा रहे थे। मखमली बिस्तर भी युवराज को कांटों की तरह चुभ रहा था। सालों पुराना सपना देखा युवराज, हमारा तो दम घुट रहे हैं दीवारों में गुलशन। कैसी बातें कर रहे हैं आप? तुम्हारे लिए कहना आसान है क्योंकि तुम आजाद हो। तुम बहुत किस्मत वाले हो गुलशन, तुम अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी सकते हो। हमें इन बंधनों में क्यों बांध दिया भगवान ने? क्यों? हम इस पिंजरे को तोड़कर उड़ जाना चाहते हैं गुलशन। उड़ जाना चाहते हैं? हाँ। ओ हाँ, नाश्ते के लिए देरी हो रही है, जल्दी चलिए वरना महाराज मुझे उड़ा देंगे। देरी की क्षमा चाहता हूं। गुड मॉर्निंग महाराज। गुड मॉर्निंग युवराज। गुड मॉर्निंग रानी मां। गुड मॉर्निंग युवराज। युवराज, ये क्या हो रहा है? हम आपके साथ बैठना चाहते पिताजी। पिताजी नहीं, महाराज कहिए। क्यों? हम आपको पिताजी क्यों नहीं कह सकते? हम अपना अधिकार क्यों नहीं मांग सकते? क्या माता पिता के साथ बैठना हमारा अधिकार नहीं? युवराज, हम आपसे पूछते हैं रानी मां, हम आपको मां क्यों नहीं कह सकते? जिस तरह हमारे कान बेटा सुनने के लिए तरस गए, क्या आपका दिल नहीं चाहता कि हम आपको मां कहकर पुकारें? आप हमारे महल के दस्तूर तोड़ रहे हैं, वो दस्तूर जिसके लिए हमारे वंश ने सैकड़ों कुर्बानियां दी हैं। हमें एक और कुर्बानी देने पर मजबूर मत कीजिए युवराज, अपनी जगह पर बैठ जाइए, ये महाराज का हुक्म है। बस बस करो युवराज। ये क्या कर रहे हैं आप? पहले तो रियाज के बाद आपको मैंने इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। सॉरी गुलशन, दरअसल हमें अपने आप पे गुस्सा आ रहा है। क्यों हम ये बंदिशें, ये रुकावटें सह रहे हैं? क्यों हम इस राजमहल के रस्म रिवाज को नहीं बदल सकते? क्यों वक्त का मुंह नहीं फेर सकते हम? वक्त? ओ हाँ, वक्त से याद आया, शामगढ़ स्टेट के महाराज आ गए होंगे। तो आपको नहीं मालूम, आज उनकी बेटी के साथ आपकी सगाई होने वाली है। हमारी सगाई? We'll be right back.
मंगनी की रस्म शुरू होने से पहले हमारी तरफ से ये हीरे राजकुमारी को भेंट दीजिए। जी महाराज, रस्म शुरू होने से पहले हम राजकुमारी जी से कुछ पूछने की आज्ञा चाहते हैं। इजाजत है, पूछे क्या पूछना है। राजकुमारी जी, अगर आप बुरा ना माने तो हम आपसे कुछ सवाल करें। जी राजकुमारी जी, आपके विचार में शादी क्या है? तो घरानों का मिलन, तो शरीरों का मिलन, दो आत्माओं का मिलन नहीं? शरीर तो आत्मा का घर है युवराज, जब शरीर एक होंगे तो आत्माएं भी एक हो जाएंगी। राजकुमारी जी, क्या हम आपको पसंद हैं? जी युवराज। मगर आपने तो हमारी तरफ आग उठाकर देखा भी नहीं। हमारी ये प्रथा है युवराज, शादी से पहले लड़की की पसंद वही है जो उसके माँ बाप की पसंद हो। और शादी के बाद? जो पति की पसंद हो, जो आप कहेंगे हम वही करेंगे। अगर हम कहें कि इस भरे दरबार में नाचिए तो आप नाचेंगे? युवराज, ये असभ्यता है। तो फिर ये कौन सी सभ्यता है महाराज, कि एक बाप अपनी बेटी को एक पालतू जानवर समझ ले, शादी का बट्टा उसके गले में डालकर उसकी रस्सी किसी के भी हाथ में दे दे। ये कौन सी सभ्यता है महाराज, कि हमारी जिंदगी का फैसला हो और हमसे पूछा भी ना जाए। युवराज, राजघराने की शादियां युवराज और राजकुमारी से पूछ कर नहीं की जाती। क्यों, क्या राजकुमारियां और युवराज इंसान नहीं है? क्या उनकी अपनी सोच, अपनी मर्जी, अपनी पसंद नहीं है? उन पर ये बंधन क्यों, क्यों उन्हें राजघरानों की रीतियों पर बलि चढ़ाते हैं आप? जब तक हमें इन सवालों का जवाब नहीं मिलेगा हम ये रस्म पूरी नहीं करेंगे। युवराज, 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 युवराज। चले, प्लेन की जगह ट्रेन। अरे वाह। युवराज जी, आपकी कुंडली में कुछ भी लिखा हो लेकिन मेरी कुंडली में धक्के खाने नहीं लिखे हैं। मैं कहता हूँ कि रामगढ़ वापस चलते हैं। तुमने एक बात नोट की है गुलू, यहाँ हम पर कोई फूल नहीं बरसा रहा, हमारे सामने कोई सर नहीं झुका रहा, हम इनमें से एक हैं, एक हम एक हैं, हम खुश हुए। आओ आओ, चलो भाई। हाँ, चलिए। बेटा बेटा बेटा, कुछ पैसे दे दो, बहुत भूख लगी है, अपन ने चार दिन से खाना नहीं खाया। आपने हमें बेटा कहा? I'm sorry son, very sorry. बहुत भूख लगी है, कुछ पैसे दे दो। आप हमें बेटा भी कहते हैं और हाथ फैलाते हैं। हाथ फैलाते हैं? ओ हाँ, हट्टे कट्टे हो, हाथ पांव सलामत है, भीख मांग दो, शर्म नहीं आती बेचारी। गुलो 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 गुलो। अच्छा काम कीजिए, पहले आप हमें कोई होटल बताइए, हम शहर में नए हैं ना, कोई रहने की जगह बताइए। अरे ये क्या बताएगा, सीधे ताजमहल होटल चलते हैं ना। हेलो, कोई साधारण सी रहने की जगह। होटल का पता तो गणपत दे सकता है। ए रामदीन, सुबह सुबह टकला देगा, सवारी बहुत अच्छी मिलने वाली है मुझे, देखना। ए गणपत, क्या बात है, ये शोरगुल यहाँ पे आदमी। देख गणपत, किनको लाया हूँ मैं ये। हाँ हाँ साहब, कहिए ना कहाँ जाना है। कोई भी साधारण सा होटल। अरे सन एंड सैंड होटल है, होराइजन है, हॉलिडे इन है, राजमहल है। राजमहल, राजमहल, राजमहल। अरे ताजमहल नहीं तो कम से कम राजमहल होटल तो चले। अरे राजमहल चलिए, मैं राजमहल वाले को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैं टैक्सी में बैठता हूँ। बाबा ये आपकी मेहनत की कमाई, रखिए। God bless you my son। चलता हूँ। चलो भाई टैक्सी में। इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। वाह। ये वो जगह है? Yeah। ओहो गुड, होटल राजमहल। अच्छा होटल है साहब। हेलो कपूरी, आया गणपत भाई। गुड, अच्छी जगह है, ऐसी जगह रहना है। ये राजमहल है, होटल राजमहल। यहाँ पर तुम रहोगे? तुम नहीं, हम रहेंगे। हम क्या? ओ हाँ, ओ नो। कितना हो भाई? 132 रुपया साहब। गुलशन, गुलशन ये लो भाई, 500 रुपया। रख लिया नहीं है साहब? रख लिया। कम ऑन गुलशन, कम ऑन, लेट्स गो। 500 क्यों कम है? ये लो, और मांग लेना चाहिए।
साहब, ये रहा आपका कमरा। वाह, नाइस। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है ना? हम लोग यहाँ ठहरेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा। ओह नो, थैंक यू। अब मैं सो जाता हूँ। अरे इनको क्या हुआ साहब? साहब सो गया। ये तो लुढ़क गया। जब साहब जागते जागते थक जाता है तब सोते सोते लुढ़क जाता है। अच्छा, इन्हें बिस्तर पे लटा दो। बालकनी जी। ये तो इधर रोज ही होता है। अच्छा, हाँ, गुड। साहब कुछ और चाहिए? नहीं। अच्छा साहब मैं चलूं? हाँ जा। ओके साहब। हाँ। सलाम साहब। सलाम। जाता हूँ। जाओ जाओ साहब। हाँ। साहब मैं जाऊं? हाँ जाओ ना भाई। बख्शीश। ओ गुड। ये ला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू साहब। साहब अपन आपको बहुत अच्छा ख्याल रखेगा। अच्छा सब चलता है। हाँ साहब, यहाँ कुछ खाने को मिलेगा? अरे साहब इधर तो खाली चाय मिलता है। खाना आप उनके यूसुफ चाचा के होटल में एकदम बेस्ट। आप चलिए ना साहब। ओके साहब, एक मिनट। कॉकरोच। कॉकरोच भी है? कीड़े मकोड़े भी है यार। खाओ ना साहब। क्या याद आ गया मियां? जो निवाला हाथ में रह गया, माँ के हाथ का पका खाना याद आ गया? सलाम चचा, ये हमारे यूसुफ चचा इस रेस्टोरेंट के मालिक। सबका मालिक एक ही है मियां, अल्लाह। वाह चचा, ये हमारे सेठ के होटल में ही ठहरे हैं। खुशामदीद, खुशामदीद। खाना खाओ बेटे, खुश रहो। पानी आई। ये लो। जायका कैसा लगा? जिंदगी मैंने इतना बढ़िया खाना नहीं खाया, लेकिन बहुत मिर्ची बहुत थी है। थोड़ी सी। साहबजादे, घर में माँ बाप आपको किस नाम से पुकारते हैं? राजकुमार। माशाल्लाह, शक्ल से भी बिल्कुल राजकुमार लगते हो। पैसे? चचा हमारे 11 रुपए लिख लो। लिख लो क्यों? अरे तुम्हारा खाता खुल गया साहब, जब जी चाहे दे देना। चचा के यहाँ उधार भी चलता है। उधार क्यों? क्योंकि उधार का मतलब है एक दूसरे पर एतबार, और एतबार की बुनियाद है बेलौस मोहब्बत और प्यार। मेरे इस होटल में उधार नफरत की कैंची नहीं, मोहब्बत की सुई है। जिसमें लगा एतबार का धागा मेरे और बस्ती वालों के दिलों को एक दूसरे से जोड़े हुए हैं। राजकुमार, यहां सिर्फ गरीब लोग रहते हैं। रोज कमाना, रोज खाना। जिस दिन कमाई ना हो वो क्या खाएंगे? इसलिए जब उस परवरदिगार ने मुझे इतनी तौफीक दी है तो मैं किसी को भूखे पेट क्यों सोने दूं? हो सकता है कि उन सबकी दुआओं से ही मेरा यह होटल चल रहा है। वाह साहब वाह, आज आपने बिना सुई धागे के हमारे दिल को अपने दिल से जोड़ दिया। चलिए हमारा नाम भी इस किताब में लिख लीजिए और ये लीजिए एडवांस। इतना ज्यादा? लेकिन आपके प्यार से ज्यादा तो नहीं है। चलता हूं। चलो दोस्त। नमस्ते भाई साहब, हमारा सेंटर ड्रग्स के मरीजों के लिए एक शो कर रहा है। हाँ। आप भी टिकट लेकर उनकी मदद कीजिए प्लीज। हाँ हाँ क्यों नहीं, कहां ये शो? भाईदास हॉल में। अच्छा तो कितने सब ये रख लो। नमस्ते। टपोरी भाई, ये भाईदास हॉल कहाँ है भाई? ये नुक्कड़ पे।
The world is lovely.
लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने इस शो को कामयाब करके उन भटके हुए बदनसीब नौजवानों की मदद की है जो हमारे ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर में नशीली दवाओं की लत से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनकी तरफ से और अपने साथी आर्टिस्टों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करती हूं। आशा करती हूं आगे भी आप हमारी इसी तरह मदद करते रहेंगे और उन ड्रग एडिक्ट भाई बहनों को उस नर्क से निकाल के फिर से अपने समाज का अंग बनाने में हमारा साथ देते रहेंगे। एनी काइंड ऑफ डोनेशन आर वेलकम, आपका सहयोग ही हमारी सफलता है। थैंक यू वन। ओके सर, वेल डन अनीता, गुड परफॉर्मेंस है। थैंक यू वेरी मच। अरे फॉग मशीन तो भेजो। आपका शो बहुत अच्छा था। थैंक्स। आपके इस नेक काम में हम भी हाथ बटाना चाहते हैं। हाँ, यू आर मोस्ट वेलकम। आप मुझे कल 11 बजे सेठीज गार्डन में मिलिए। ओके बाय बाय। देखे थोड़ा हिलने की कोशिश की तो हरामजादे, मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगा। हरामजादे ठहर, ये जान से मार डालूंगा आज। अरे कुछ तू मुझे जान से मारना क्या चाहता है? नंबर वन, हम दोनों चिलिया होटल में बर्तन धोते थे कि नहीं बोल। नंबर दो, हम दोनों रॉयल होटल के किचन में कुक थे कि नहीं बोल। नंबर तीन, हम दोनों ने मिलके अपना होटल खोलने का सोचा था कि नहीं, और उस सोच में मैं तेरे साथ था कि नहीं बोल। क्या तुम लोगों ने सुना हराम साढ़े, तो फिर इस होटल में मैं तेरे साथ क्यों नहीं? मैंने ये होटल अपनी मेहनत से, अपने पैसों से, अपने दिमाग से बनाया है। यही तो मेरा दुश्मन है, आज मैं इसे उड़ा दूंगा। तूने मुझे बहुत धोखे दिए हैं, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सेठी रुको, फॉरेस्ट कुल्लू। तुझे देख लूंगा मैं, सबको देख लूंगा। कोई पागल लगता ही है। मुझे एक बात बताओ, तुम इतनी देर से यहाँ क्या कर रहे थे? किसी का इंतजार कर रहे हम। इतनी सुबह सुबह? जी हाँ, वो क्या है कि बुलाया तो 11 बजे था, लेकिन हम जल्दी आ गए। वो होटल भी तो ढूंढना था। ढूंढना था। तुम लोग बम्बई में नए हो क्या? जी हाँ। नौकरी की तलाश में आए हो? जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। मेरे रेस्टोरेंट में नौकरी करोगे? श्योर ऑफ कोर्स, बिल्कुल। कैसे? हाँ जी सर, वेटर की नौकरी है। हाँ वेटर, हाँ वेटर, दो वक्त खाना फ्री और 700 रुपया पगार महीना। हाँ 700 रुपए? हाँ 700 रुपए। डन सर, थैंक यू सर। ओके करेंगे, लेकिन पहले हमें यहाँ आपकी सेवा करने का तो मौका दीजिए। कहिए आप क्या लाए? शाही मुर्गा, शाही मटन, शाही पुलाव, शाही आपको जो पसंद हो ले आइए। शाही रुमाली रोटी अभी हाजिर हुआ, शाही गोभी, शाही पराठा, शाही। ओ हाँ, मुझे भी जाना राजू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। ये रहा हमारे रेस्टोरेंट के बावर्चियों का सबसे बेहतरीन खाना, सिर्फ आपके लिए। एक बात पूछूं आपसे, आप इतना खाना अकेले खा जाएंगी? चलो साइज से नहीं लगता ना। यो भैया, ये सब
खाइए आपके लिए। ये सब क्या हो रहा है सर? सर ये मेरी लाइफ का पहला ऑर्डर है सर, और ये मेरी लाइफ की पहली कस्टमर। थैंक यू। स्टूपिड सर, इडियट, हां बेवकूफ, हां। अरे पहले ही दिन इस रेस्टोरेंट के इतना बड़ा नुकसान करवा दिया, जानते हो ये कौन है? कौन है? ये मेरी बेटी है, इस होटल की मालकिन। बेटी? Go back to the kitchen. Go. Get up. Get out, I say. Ready, fool. Get up. I'm sorry, sir. I'm very sorry, sir. Get up. Papa, relax. आपके साथ ऐसी पापा प्लीज, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनका क्या कसूर है पापा? वो क्या है, उन्हें क्या मालूम मैं आपकी बेटी हूँ? आप उन्हें नौकरी से नहीं निकालेंगे। आ, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो बेटी के हम तुम्हारी बात कभी नहीं टाल सकते। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, हम इन्हें नौकरी से नहीं निकालेंगे। बस ये दो पैसे की नौकरी, मेरे युवराज को डांट दिया। यार गुलशन, मुझे तो बहुत अच्छा लगा उसने मुझे डांटा। बाहर रामगढ़ में महाराज के सिवाय कोई मुझे डांट सकता है? अरे हाँ, मुझे थोड़ी पता था कि वो अपनी मालिक की बेटी है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा यार। एक्सक्यूज मी, यस, अपने पापा की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ तुमसे। माफी? माफी नहीं नहीं, माफी किस बात की, गलती तो मेरी थी। राजकुमार तुम रहते कहाँ? रामगढ़। रामगढ़? रामगढ़ में कहाँ? महल में। महल में? और उस महल में कौन कौन रहते हैं? महाराज, महारानी, नौकर चाकर। समझ गए, हर बेटे का दिल चाहता कि उसकी माँ महारानी हो, पिता महाराज। तुम फिक्र मत करो, खूब दिल लगाकर मेहनत करो, खूब पैसे कमाओ, और फिर अपनी माँ को महारानी की तरह राज करवाना। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है, चलो आओ। कहाँ? तुमने कहा था ना कि तुम ड्रग पेशेंट से मिलना चाहते हो, आओ मैं उनसे मिलवाती हूँ। लेकिन मेरी ड्यूटी है। मैं हूँ ना, चलो। तू जाना, वो है ना। मैं मार डालूंगी अपने आप को, नजदीक मत आना मेरे। मैं जीना नहीं चाहती। ये क्या हो रहा अनिता जी? पिछले कुछ दिनों से इसका इलाज हो रहा है, कुछ दिन और ये रह जाए बिना ड्रग्स के तो ये ठीक हो सकती है, लेकिन आज लगता है फिर से इसे दौरा पड़ गया। मेरे पास मत आना। अनिता जी, अब इसे इलाज की नहीं, प्यार से समझाने की जरूरत है। मुझे एक मौका दीजिए, एक मौका, एक मौका। जरा आप लोग एक मिनट प्लीज साइड हो जाइए, जरा प्लीज आगे मत आइए प्लीज। इट्स ओके, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, मार डालूंगी अपने आप को मैं। तुम मरना चाहती हो ना? मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, सिर्फ इतना बता दो तुम क्यों मरना चाहती हो। ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मेरे नजदीक मत आना, मार दूंगी अपने आप को, मुझे मौत चाहिए। मौत तो हम सबको आनी है, जो बीमार है वो भी मरता है, जो बीमार नहीं है वो भी मरता है। मौत ही तो एक सच्चाई जो हम सबको आनी है, लेकिन आत्महत्या करना पाप है, पाप। बड़े भाग्य मानुष्य तन पावे, जानती हूं उसका मतलब क्या होता है? वो बड़ा भाग्यशाली होता है जिसे इंसान का रूप मिलता है। न जाने कितने जन्मों के पुण्य के बाद तुम्हें इंसान का रूप मिला है, और तुम उसी रूप को मिटा देना चाहती हो। मत दो मुझे छोटी दिलासा। ये दिलासा नहीं, सच्चाई है। आत्महत्या बुजदिल करते हैं, दर्द तो बहुत कमजोर होता है, हिम्मत वालों के पास ज्यादा देर नहीं ठहरता। बर्दाश्त करो उस दर्द को, सब ठीक हो जाएगा। अरे जिंदगी बहुत प्यारी है, हसीन है, अपने आप को, दुनिया को प्यार की नजर से देखो। राजू, तुमने उस लड़के की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। एहसान की क्या बात है, आपके नेक काम में मैं काम आ सकूं, ये तो मेरी खुशनसीबी है। एक मिनट। हे बाबा, स्टेशन याद है? माय सन, माय प्रिंस, अपुन अभी अभी तुम्ही को याद कर रहा था। अच्छा? हाँ। अरे आप इधर, यहाँ कैसे इधर? अरे अपुन आजकल लोगों की प्रेस को घर तक पहुँचाता है, आजकल अपुन मेहनत करता है, हाँ खुद कमाई करता है। अच्छी बात है। अपुन बड़ा बदनसीब था जो लोगों की कमाई खाता था, लेकिन आज अपुन खुद कमाई करता है। गुड गुड। अरे तुम्हारे दिखा रास्ते पे चलता है, ये उस चर्च की ब्लेसिंग है जिसके गॉड तुम हो। अरे क्या बात कर रहे हो बाबा, थैंक यू माय सन, प्लीज। अब आप खाना। अनिता जी, ये बाबा है, बाबा ये अनिता जी है। गॉड ब्लेस। हेलो। और इस प्यार के अमृत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं माय सन, प्यार का अमृत तो तुम ही हो।
अपन ठीक कह रहे ना? यस, तुम्हारी स्माइल कहती है अपन बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन अपन तुम लोगों को खाली हाथ नहीं जाने देगा। कम 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 कम, द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, कम। दिस ऑफर, मदर मेरी की ब्लेसिंग मिल गई, अब तुम लोगों को कोई चुदा नहीं कर सकता, कोई चुदा नहीं कर सकता। अच्छा बाबा, चलते हैं, चलें। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस माय फ्रेंड्स, लवली कपल। राजू, तुम में ऐसी क्या बात है, जो भी तुमसे मिलता है तुम्हारा हो जाता है? मेरी कुंडली में प्रेम योग है अनीता जी, प्रेम योग, ये सब उसका चमत्कार है, मेरा कुछ नहीं। राजू, जब से तुम मुझे मिले हो, मुझे जैसे कोई पिछले जन्म का साथी मिल गया है। आज मदर मैरी के सामने एक वादा करो कि जिंदगी भर मेरा साथ दोगे, एक अच्छे और सच्चे दोस्त बनकर। अरे आपने तो मेरी दिल की बात कह दी, आप जब भी और जहां भी मुझे याद करेंगी, मुझे अपने पास पाएंगी, और ये वादा रहा। अरे हटो आगे से, लेके जाओ, जल्दी जाओ। ये सब क्या है चाचा, ये एम्बुलेंस, ये सब? ये मौत का बाजार है बेटे, और ये बाजार तब तक बंद नहीं होगा जब तक लहना सिंह की जहरीली शराब का अड्डा बंद नहीं होता। पता नहीं आज कौन औरत बेवा होगी और कौन बच्चा यतीम होगा। लहना सिंह, देख उस जहर का नतीजा जो तू इन पस्ती वालों को पिलाता है, देख इनके मुरझाए हुए चेहरे, देख इस बच्चे को, देख इसका बाप रोज तेरे अड्डे की शराब पीकर अपना सीना छन्नी कर लेता है, लेकिन इसका बदन नहीं ढक सकता। देख उस बीमार औरत को, इसका बेटा अपनी सारी कमाई तेरी दारू पे उड़ाता है, लेकिन इसके लिए दवा नहीं लाता। आज जो बीमार हुए उनमें से अगर कोई भी एक मर गया तो इसका जिम्मेदार तू होगा। तू मौत का व्यापारी है, शराब बेचकर जो तू कमाता है वो रुपया नहीं है, बद्दुआ है, शराब है इन सबका। आज ये गरीब लोग तेरे से डरते हैं, तेरा सामना नहीं कर सकते, लेकिन भूल मत, एक दिन तुझे उसका सामना करना है, और वो तुझे भक्षेगा नहीं, कभी नहीं। राजू, मैं पापी हूं, गुनाहगार हूं, मुझे सजा दो, मेरे जैसे पापी को कानून के हवाले कर दो राजू। कोई भी जेल, कोई भी मार किसी गुनेगार को सुधार नहीं सकती, उसका खुद का अपना जमीर उसे सुधारता है, याद रखना। बेटे, आज मुझे इस बात का यकीन हो गया कि खुदा हम बंदों की तकलीफों से गाफिल नहीं है। कितने अजीम हैं वो मां बाप जिन्होंने तुझ जैसी औलाद को जन्म दिया है। खमागणी महाराज, कलकत्ता के दफ्तर में भी खबर दे दी गई है, अगर आपका हुक्म हो महाराज तो अखबारों में भी यह खबर छपा दी जाए। बड़े अफसोस की बात है कि हम चाहते हुए भी अपने युवराज की फोटो अखबारों में नहीं छपा सकते। क्यों महाराज? क्योंकि जो हीरे उनके पास है ना, उनकी कीमत करोड़ों में है, करोड़ों में, वो खुद नहीं जानते। अगर लोगों को मालूम हो गया कि वो युवराज है तो वही हीरे उनके लिए जानलेवा बन सकते हैं। नहीं, इस बात की खबर महारानी को ना हो। हुक्म महाराज। प्यारी मां, मां चरणों में सादर प्रणाम। हमें यकीन है कि आप महाराज को बताएंगे नहीं कि हम कहां हैं, क्योंकि हम जहां रह रहे हैं वहां लोगों के रूप में प्यार बसता है। हमें यहां आके पहली बार यह एहसास हुआ कि प्यार क्या होता है। हम यहां ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा। महाराज को सादर प्रणाम, आपका बेटा राजू। बेटा,
मेंढा इश्क भी तू मेंढी जान भी तू मेंढा दीन भी तू ईमान भी तू। ये मेंढा क्या होता है चाचा? मुल्तानी जबान में मेंढा का मतलब होता है मेरा। मेरा छह मेंढा इश्क भी तू मेंढी जान भी तू आगे मेंढा दीन भी तू ईमान भी तू। हाँ हाँ बहुत अच्छा है। मेरा इश्क भी तू मेरी जान भी तू मेरा दीन भी तू ईमान भी तू। किससे हो गया क्या इश्क? इश्क मुझे? क्या बात करें चाचा आप। मियां हमने शादी नहीं की तो क्या हुआ? बारातें बहुत देखी हैं। इश्क वो इत्र है जितना ज्यादा दूसरों पर छिड़कोगे उतनी ही खुशबू तुमसे आएगी और तुम्हारे चेहरे पर तो साफ लिखा हुआ है। क्या? हर सू तू ही तू। क्या मतलब? जिधर देखो वही वो। मियां जब इश्क होता है ना तो हर तरफ हर चीज में अपने यार का चेहरा दिखाई देता है। मुझे तो ऐसे दिखाई नहीं देता।
सुबह होगी मुझे उठाया क्यों तूने? बरसों के बाद तुम्हें इतनी प्यारी नींद सोते हुए देखा, जगाने का दिल नहीं किया। ओ हाँ, मिली कौन? वही जिसके सपने देख रहे थे। 9 बज रहे हैं, नौकरी पे नहीं जाना है क्या? अरे बाप रे, अरे सेठी साहब बड़े सख्त आदमी, कहीं देर हो गई तो नौकरी से निकाल देंगे। मैं तो चला तैयार होने भाई। नौकरी से नहीं, अनीता की जिंदगी से बोल। अपनी बकवास बंद कर, जो भी मुंह में बोलते रहता। ये क्या गुल्लू? ये क्या है गुल्लू? क्या? ओ हाँ, हीरे हैं। महल में सगाई के दिन तुम्हारे जिम्मे रह गए थे। पता नहीं किसकी किस्मत में होंगे जो मेरे साथ यहाँ तक चले आए। भाई मैं तो चला नहाने, देर हो रही है। नहाने? पैसे दो और माल ले जाओ। नहीं नारंग, माल लेकर रुपए देना हमारी किताब में नहीं लिखा है। ए मिस्टर, ये कोई तरीका नहीं। हम इनकी किताब में लिखे हर शब्द को जानते हैं। ले जाओ, बैग उठाओ। डैड, आपने इन लोगों को? घबराओ मत बेटे, आओ हमारे साथ। इनकी किताब में शायद ये नहीं लिखा था कि नारंग जब अपना रंग बदलता है तो अपने दुश्मनों की जिंदगी हमेशा के लिए बेरंग कर देता है। क्योंकि नमस्कार नारंग साहब। बोलो मोहन सिंह, क्या खबर है? बहुत बुरी खबर है नारंग साहब। जो रामगढ़ के हीरे में आपके लिए लाने वाला था, उन्हें लेकर युवराज महल से फरार हो गए हैं और मुझे डर है कि वो इन हीरो को बेचने की कोशिश करेंगे। जिमी जी, हिंदुस्तान के हर जौहरी को खबर कर दो कि वो हीरे हमें चाहिए। ओके डैड। डैड, इफ यू डोंट माइंड, मेरी मीटिंग है अनीता के साथ सेठीज गार्डन में। जी, क्या मैं जा सकता हूँ? हेलो जिमी बेटे, हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल अंकल, थैंक यू। अरे भाई, तुम्हारे डैडी नारंग साहब कैसे हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अंकल अनीता जी? हाँ, बस आती ही होगी। सर आपके लिए फोन है। हाँ भाई, तुम चाय कॉफी पियो। थैंक यू अंकल। चलो भाई। यस, मैं सेठी बोल रहा हूँ। अबे बकरे, अबे पहचान लिया? कौन बोल रहा हूँ? अबे आवाज नहीं पहचानने का, साले याददाश्त खो गए क्या? अबे मैं रघु खुरेजी बोल रहा हूँ। अरे रघु, तू क्यों बोल रहा है? क्यों बोल रहा है तू? अबे नहीं बोलूंगा तो बीमार नहीं पड़ जाऊंगा साले। अबे बहुत तेरी जबान चल गया, बहुत जबान चल गया, सारे उतार लूंगा, खेच लूंगा ईमान साले। 100 ग्राम की जबान ईमान से कसाई खाने में 6 रुपए बेच दूंगा। कसाई? अरे तू कसाई कब से बन गया? हमें कसाई है तो क्या हुआ, किस्मत वाले हैं। शट अप, हमें तेरे पेट में चक्कू गुजाने वाले। शट अप। गुड मॉर्निंग सर। थ्री चीज चाय बनाओ, चाय बनाओ। अरे यार जिमी। हाँ बोलना। इतनी देर से वेट कर रहे हैं, अनीता आएगी भी या नहीं? साली जाएगी कहाँ? अनीता मेरी है यार, मेरी, वही करेगी तो मैं चाहूंगा। तू बड़ा लकी है यार, व्हाट अ ब्यूटी। इस दिवाली में शादी कर रहा हूँ उससे। हाँ अच्छा, ठीक सर। अरे मुझे गिर गई सर। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? आई एम सॉरी सर। सॉरी के बच्चे, जिमी व्हाट इज दिस प्लीज? मुंह तोड़ दूंगा बास्टर्ड। किसका मुंह तोड़ेगा तू? किसका मुंह तोड़ेगा तू? लुक किसका? मेरी लड़ी ये तक्की का वेटर तो टकेगा तू। बे बाप, क्या रहा? गो गो। यस सर, सॉरी सर।
तू चल, तू चल, लुक एट दिस, मफलर लटका के अपने आप को हीरो समझ ले, रोक लिया पता, आपको ऐसे बोला, क्लब जाने वाले थे ना, गो मैन हैव फन, गो, आई डिडंट नो दैट वेटर भी जवाब देते हैं यहां पे, लेट्स गो, वो साला समझता क्या अपने आप को, अगर तुमने मुझे रोका नहीं होता ना तो उसका मुंह तोड़ देता, छोड़ना यार, और वनीता सिर्फ उसके साथ इसलिए चले गई क्योंकि वो अमीर है, वो जानती नहीं कि तुम कौन हो, एक बात को युवराज, बहुत हो गया ये युवराज से वेटर बनने का नाटक, मैं तो कहता हूँ कि वहां पे चलते हैं, मुझे महल की बहुत याद आ रही है और मुझे अनीता की याद आ रही है, राजकुमार तुम समझते क्यों नहीं हो, यहाँ चल के लड़के सिर्फ पैसे वालों से प्यार करते हैं, चलना यार अनीता ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है, ओ हाँ तुम्हें कैसे मालूम, एक बार उसे अपनी असलियत बताकर देखो, तुम्हारे सामने जिमी के मुंह पर तमाचा मार कर तुम्हारा हाथ ना थाम ले तो मुझे कहना, हाथ तो वो मेरा ही थामेगी, मान गए ना, युवराज का नहीं राजू वेटर का हाथ, हो ही नहीं सकता, इतने बड़े रेस्टोरेंट के मालिक की बेटी और एक वेटर से प्यार, इम्पॉसिबल, यही होगा गुलू, मुझे इसका पूरा यकीन है, चल चल लग गई शर्त, नहीं गुलशन नहीं, ये शर्त तो मैं ही जीतूंगा, मुझे पूरा यकीन है कि अनीता किसी शुभचिंतक युवराज से नहीं बल्कि अपने राजू वेटर से ही प्यार करेगी, वो खूबसूरत पन्ना है जिसके बिना मेरी किताब अधूरी है, आपका शुभचिंतक, शुभचिंतक, शुभचिंतक कौन हो सकता है, राजू, 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 अरे अनिता जी आया, कहिए क्या बात, किसी ने चिट्ठी भेजी है, देखो मेरे लिए, नहीं किसी ने मेरे नाम लिखी है और साथ में ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर के लिए बहुत सारे मेडिसिन भेजी है, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, पर राजू इस आदमी को पता कैसे चला कि मैंने ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर खोला हुआ, वो तो सारे शहर को मालूम है, आपने स्टेज पे शो किया था और आपने ऑडियंस से डोनेशन की अपील भी की थी, राइट, हाँ पर उसे पर्सनली मिलना चाहिए था, जैसे जैसे उस दिन तुम आए थे स्टेज पर मिलने, वो शायद शर्माता होगा, ये तो शर्माने की क्या बात है, मुझे लगता है कि वो आपका साथी बनना चाहता है, आपका क्या जाता है, आप उसका मान रख लीजिए और आप वो दवाइयां भी रख लीजिए, पर वो बिना बिना जान पहचान के, वो क्या है कि कुछ लोग गुप्त दान में विश्वास करते हैं, गुप्त ज्ञान, और या किचन में गुप्त ज्ञान नहीं चलेगा, गुलशन जी गुप्त ज्ञान नहीं गुप्त दान दिया है किसी ने, राजू जी तुम कहते हो तो मैं दवाइयां रख लेती हूँ, मगर मैं इतना जरूर जानना चाहती हूँ कि ये शुभचिंतक है कौन, थैंक यू राजू, बाय बाय, गुलशन जी वेटर राजू की शर्त लगी हुई है ना, वेटर राजू की शर्त लगी हुई है, ओ हाँ शर्त लगी हुई है, क्या बात है अनिता जी, बड़ी खुश लग रही है आज, फिर कुछ भेजा आपके शुभचिंतक ने, तुम्हें कैसे मालूम, वही आपकी ये हड़बड़ाहट, राजू इस बार उसने ड्रग सेंटर के लिए 3 लाख रुपए भेजे कैश, हाँ और कोई खत, हाँ भेजा, जरूर कुछ प्यार की बातें लिखी होंगी, ये पढ़ो, नहीं नहीं किसी और का खत नहीं पढ़ना चाहिए, आप पढ़िए ना, ओके लिखा है अनीता जी, अनीता जी सिर्फ अनीता जी लिखा है, नहीं माय डियर अनीता जी, एक कदम आगे, क्या मतलब, मतलब ये कि पहली चिट्ठी में अनीता जी लिखा था, इस बार माय डियर, पढ़िए, आप ये सोचेंगे कि मैं तो आपके पीछे ही पड़ गया हूँ, क्या कहना चाहता वो, अनीता जी ऐसे ही घर बैठे बैठाए तो कोई चीज नहीं मिलती, पीछे तो पढ़ना ही पड़ता है ना, क्यों आगे पढ़िए क्या लिखा, सच्ची बात तो ये है अनीता जी कि मैं आपके चारों तरफ हूँ और आप मेरे चारों तरफ हैं, आईने में देखता हूँ तो मुझे अपना चेहरा नहीं आपका चेहरा नजर आता है, ऐसा भी कभी होता है राजू, मोहब्बत में क्या नहीं होता अनीता जी, इसलिए तो मोहब्बत को दीवानगी कहते हैं, पागलपन कहते हैं, क्या तुम्हें कभी ये पागलपन हुआ है जी?
तुमने कभी किसी लड़की से प्यार किया है? जी हाँ, मुझे तो प्यार है उससे। देखिए ना, मेरे हाथ में कितनी गहरी लकीर है प्यार की। और उसे भी तुमसे प्यार है? होना तो चाहिए। क्यों? इसलिए कि प्यार का सवाल तब तक अधूरा है जब तक वो खुद जवाब न बन जाए। अरे यहाँ क्या काम है आपको? ये बोझ हल्का करने आई हूँ। क्या मतलब? ये 3 लाख रुपए जो उस शुभचिंतक ने ड्रग सेंटर के लिए भेजे हैं, इस महिला उद्धार केंद्र में दान करने आई हूँ। क्यों? राजू शायद अपने पैसों से मुझे इंप्रेस करना चाहता हो। हो सकता है वो आपसे प्यार ही करता हो। प्यार के लिए प्यार भरा दिल चाहिए, आप उसे भरा ब्रीफकेस नहीं। मैं अभी आती। आज मुझे पूरा यकीन हो गया कि इस दुनिया में सच्चा प्यार है। गुड मॉर्निंग अनिता जी। गुड मॉर्निंग राजू। और तुम यहाँ इतनी जल्दी कैसे? और ये क्या, ये तो तुम्हारा काम नहीं। अपना काम तो सभी करते हैं अनिता जी, लेकिन दूसरों का काम करने में जो मजा आता है इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। खैर, आप यहाँ सुबह सुबह कैसे? आपकी शक्ल बता रही है कि आप रात भर सोए नहीं। क्यों, वो शिवचिंतक का कोई नया खत आया है? खत तो उसने भेजा है। अच्छा, ये लो पढ़ो। नहीं नहीं, आप पढ़िए ना। पढ़ने के लिए कुछ हो तो? क्या मतलब? अरे ये तो बिल्कुल कोरा है। यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि इसका क्या मतलब हो सकता है। मतलब तो बिल्कुल साफ है, आपने उसके पैसे कहीं और दान करके उसे कुछ लिखने के काबिल ही नहीं छोड़ा। हो सकता है, लेकिन एक बात बताओ राजू, ये शुभचिंतक देखने में कैसा होगा? मेरे ख्याल में ठीक नहीं होगा। क्या मतलब? हो सकता है वो काना हो, या हो सकता है वो लूला हो, या हो सकता है वो लंगड़ा हो, लंगड़ा, या हो सकता है वो थोड़ा सा, भाई कोई ना कोई तो कमी होगी उसमें, इसलिए तो आपके सामने आता नहीं। मजाक मत करो राजू, बोलो ना। अनिता जी, जो शख्स आपकी पल पल की खबर रखता है, आप उसके बारे में कुछ नहीं सोचती? हाँ, स्टाइल से तो कोई राजा महाराजा ही लगता है, लेकिन मैंने उसके बारे में कभी नहीं सोचा। तो आज सोचिए ना।
कुछ भी कहो सच है मगर उसकी ये दीवानगी। मांगो अगर तुम प्यार से दे दे तुम्हें जिंदगी। सीधा साधा होगा भोला भाला होगा तेरा हंसी वो दीवाना। चेहरा होगा हंसी चेहरे से क्या लेना दिल का हंसी हो दीवाना। सोचो सोचो मैं क्या सोचूं कुछ तो सोचो सोचूं क्या तो बोलो मैं क्या करूं कुछ तो बोलो मैं क्या। जाता होगा घबरा के वो दीवाना। शर्माए जो यूं घबराए जो यूं दिल लगाए क्यों दीवाना। सोचो सोचो मैं क्या सोचूं कुछ तो सोचो सोचूं क्या बोलो बोलो मैं क्या बोलूं कुछ तो याद है तुमने कहा था कि प्यार का सवाल तब तक अधूरा है जब तक वो खुद जवाब नहीं बन जाता। मैं वादा करती हूं जिस दिन मुझे इसका जवाब मिल जाएगा मैं सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी। मुबारक हो कक्कड़ साहब, मुबारक हो रिकी, मुबारक हो सर। थैंक यू वेरी मच साहब। इस साल का इनविटेशन कब भी आप ही का होगा। कक्कड़ साहब जिंदाबाद, ग्रेट वॉरियर जिंदाबाद जिंदाबाद। थ्री चीयर्स फॉर ग्रेट वॉरियर। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। अरे नारंग साहब आइए आइए तशरीफ लाइए। वेलकम नारंग साहब। मुबारक हो कक्कड़, तुम्हारे घोड़े ने डर्बी जीत ली। शुक्रिया। मीट माई सन जिमी। हाय। व्हाट अ हॉर्स सर, व्हाट अ हॉर्स। जैसा नाम वैसा घोड़ा। ग्रेट ग्रेट वॉरियर। आज मैंने 5 लाख रुपए जीते इस घोड़े पर। यस सर, दैट्स ग्रेट, प्लीज ज्वाइन अस। एक मिनट कक्कड़, मेरा बेटा जिमी तुम्हारा घोड़ा खरीदना चाहता है। ये रहा ब्लैंक चेक, जो कीमत चाहो भर लो। फिलहाल घोड़ा बेचने का मेरा कोई इरादा नहीं। कक्कड़, तुम्हारा इरादा मेरे बेटे की पसंद से ज्यादा अहमियत नहीं रखता। नारंग, तुम जैसे 2 नंबर के आदमियों को मैं कोई अहमियत नहीं देता। रॉकी, ये तो सिर्फ एक नमूना है कक्कड़। अगर हम चाहें
तो 20 मिनट के अंदर तुम्हारे ग्रेट वॉरियर का सर स्टेबल पर होगा, क्योंकि नारंग जब अपना रंग बदलता है तो दुश्मनों की जिंदगी हमेशा के लिए बेरंग कर देता है। ये रहा चेक, कीमत तुम्हारी, घोड़ा जिमी का। ऑल द बेस्ट सन। थैंक्स डैड। सेठी अंकल, ये जो घोड़ा मैंने अभी अभी इनसे खरीदा है, मैं आपकी बेटी अनीता को दिखाना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ श्योर श्योर, मैं तुम्हारी देखभाल के लिए राजकुमार और गुलशन को भी साथ भेज दूंगा। ये जानवर जरूर है लेकिन इसमें भी जान है, चोट लगती तो इससे भी दर्द होता है साहब, मार से नहीं प्यार से काबू कीजिए इसे। प्यार के बच्चे, मेरी चाबुक पकड़ने की हिम्मत कैसी हुई तुझे? जिमी, ये क्या कर रहे हो तुम? थोड़ा काबू करना मुझे इस वेटर से सीखना पड़ेगा क्या? ए साहब, ये बिना सैडल के भी राइड कर सकता है, यकीन ना हो तो अभी दिखा दे। क्या बात कर रहे हो तुम? क्या बात कर रहा हूँ मैं राजू? ओ हाँ, क्या बात कर गया मैं? तुम्हें राइडिंग आती है? कोई खास नहीं है बस। ये बात है हाँ, तो हो जाए ना एक रेस। कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है। तुमको घोड़ा घोड़ा नजर आता है, आदमी आदमी नजर नहीं आता। मतलब यही मौका है इस वॉन्चिंग पोंग हचा। मेरा तो दावा है कि ये घोड़े पर बैठ भी नहीं सकेगा। राजू मुझे झूठा नहीं करना। कम ऑन राजू, लेट्स सी। अगर आप कहती है तो मैं ना नहीं कह सकता। हाँ एक शर्त है, अगर रेस होगी तो मैं इस बेकाबू घोड़े की सवारी करूंगा। हड्डियां तोड़वाने का इतना ही शौक है तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। उस्मान, ये घोड़ा इस वेटर को दे दो। साहब ये कंट्रोल नहीं होगा। मेरे लिए मुमताज ले आओ। कैसे कंट्रोल नहीं होगा? ओ शाबाश। ओ शाबाश। मुमताज लाओ लीजिए। ऐ शाबाश बेटा। धड़क धड़क धड़क, जिमी का घोड़ा आगे है और राजू का घोड़ा पीछे। हाँ। अब जिमी विप निकालेगा और राजू को मारेगा। अरे इट्स नॉट फेयर। अनीता जी, पेट वो रहा है, मार वो खा रहा है, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? अच्छा आदमी है राजू, मेरा अच्छा दोस्त है, और तुमने उसे घोड़े पे बिठा दिया। अजीब दोस्त हो तुम भी राजू। लफड़ा दोनों में है लफड़ा। अभी तो वो मार खा रहा है। हाँ? आगे आगे देखो, ये देखो वो घोड़े से गिरा। घबराइए नहीं, अब राजू घोड़े पे बैठ जाएगा। हाँ, बैठ गया। अब आहिस्ता आहिस्ता राजू का घोड़ा जिमी के घोड़े के पास पहुंच जाएगा। कम ऑन राजू।
राजू का घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। राजू खुश हो गई, खुश हो गई। और अब राजू का घोड़ा आ गया है नीचे, चलो स्टूपिड टू लाइफ। कहा ओ शाबाश शाबाश बेटे, अरे क्या बोलता, कंट्रोल में नहीं आएगा। ये अच्छा उस्मान भाई सर्वप्रथम जिमी को धोखा देने वाला कभी जिंदा नहीं रह सकता। अंधा है क्या? ये वार्निंग थी, जिंदगी की सड़क पर जब भी कदम बढ़ाओ सोच समझ कर, वरना कुछ ले जाओगे एक कुत्ते की तरह। नारायण साहब, आपने मुझे कहा होता मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता। प्लेट टूटी सेठी जी? नहीं बिल्कुल नहीं। ये टूट गई सेठी। अगर हम चाहें तो इसी तरह तुम्हारी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन उन टुकड़ों की चुभन का दर्द हमारा बेटा बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। जिमी तुम्हारी बेटी से प्यार करता है। नारंग साहब, मेरी बेटी भी तो जिमी को पसंद करती। अनीता जी, विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच। आपका ऑर्डर, ये स्टाफ की तरफ से आपके लिए केक, और ये मुझे तुम्हारा इंतजार था। मेरा इंतजार? हाँ। वो आपके शुभचिंतक ने कोई नया खत भेजा है। शुभचिंतक? अरे कहाँ, उसने तो एक फोन तक नहीं किया। चलो माना कि वो नहीं आ सकता, कम से कम एक फूल तो भेज देता। सेठी जी, तुम्हारी बेटी का जन्मदिन है ना? जी हाँ। और मेरे बेटे की मंगनी है तुम्हारी बेटी के साथ। मैडम, ये आपके लिए फूलों का पेड़ है। अरे पेड़ क्या बोलता है? अगली चिट्ठी जी। ये वहां रखो। चलो जी। शुभचिंतक ने भेजा है। क्या लिखा है? अनीता जी, हम चाहते तो थे कि इस शहर के सारे फूल आपके कदमों पर निछावर कर दें, पर शायद आप बुरा मान जाती, इसलिए इस नाचीज की तरफ से ये छोटा सा गुलदस्ता स्वीकार कीजिए। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। आपका शुभचिंतक। मैंने कहा था ना कि इसकी हर बात निराली है। राजू, अरे ये फूल जो तुम मेरे लिए लाए हो उस बड़े गुलदस्ते से ज्यादा प्यारा है। थैंक यू वेरी मच। तो बात पक्की समझूं? हाँ बिल्कुल, समझे कि नहीं समझे। मेरा मतलब है कि हाँ। प्रेम योग में मिल जाते हैं हर जब दो दिल अनजाने, धीरे धीरे बन जाते हैं प्यार के साफ साने।
से प्यार का रंग चढ़ाओ, उस पे कोई भी रंग चढ़े ना। हेलो हेलो, वंस अ प्यार का छप्पा, ऑलवेज अ प्यार का छप्पा। ओह, ये मैंने नहीं, इसने कहा है। To every lovable action, there's equal and opposite lovable reaction. Mean? Hey, मैं थोड़ा ही आके तो न्यूटन पानी दे गया है क्या? सारे का 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 रे करे सा। सारे का 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 रे करे सा। पामगमा 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 करे करे सारे सारे सा। हेलो पाजी, हेलो बिरादर, है जिसे प्यार का रंग चढ़ा, उस पे कोई भी रंग चढ़े ना। मिले प्रेम योग में जो प्रेमी, वो मिलके कभी बिछड़े ना। जिसे प्यार का रंग चढ़ा, उस पे कोई भी रंग चढ़े ना। Thank you. अनीता बेटी इधर आओ।
दोस्तों, मेरी बेटी अनीता के बर्थडे के दिन यहां आकर आप लोगों ने जो हमें इज्जत बख्शी है उसका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आप सब लोगों का। इस खुशी के मौके पर मैं एक और खुशखबरी आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। नरंग साहब और मैंने यह फैसला किया है कि इनका बेटा जिमी और मेरी बेटी अनीता जीवन साथी बन जाए। बर्थडे केक काटने से पहले अनीता जिमी को सगाई की यह अंगूठी पहनाएगी। पापा, आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं जिमी से शादी करने के लिए हाँ कह दूंगी? रिशी, मुझसे पूछे बिना आपको मेरी जिंदगी का फैसला करने का कोई हक नहीं है। लेकिन बेटी, मेरी बात तो सुनो। मैं ये सगाई नहीं करूंगी पापा, चाहे कुछ भी हो जाए। बेटी, अनीता, नहीं नहीं, हट जा जिमी, हट जा बेटा, हट जा, हट जा। ये आप क्या कर रहे हैं डैड? डैड, अनीता, अनीता आपकी होने वाली बहू है डैड। डैड, डैड, प्लीज, मैं उसे प्यार करता हूँ डैड, प्लीज, आई लव हर डैड, प्लीज। सेठी, नारंग जब अपना रंग बदलता है तो दुश्मनों की जिंदगी हमेशा के लिए बेरंग कर देता है। ये शायद तेरी बेटी को पता नहीं, समझा देना उसको। चल बेटा, चल। जिमी से शादी करने के लिए राजी हो जाऊंगी। ओहो, इसमें बुरा ही क्या है? तुम उसे अच्छी तरह से जानती हो, वो तुम्हें अच्छी तरह से जानता है। शादी के लिए सिर्फ जान पहचान का होना काफी नहीं है। पर जिमी एक खूबसूरत नौजवान और करोड़ों की दौलत का मालिक भी तो है। लेकिन दौलत का दिल से कोई संबंध नहीं होता पापा। पर वो तुमसे प्यार भी तो करता है। लेकिन मैं जिमी से प्यार नहीं करती। तो फिर क्या तुम किसी और से प्यार करती हो? करती, बोलो कौन है वो? बहुत जल्द आपको आपके इस सवाल का जवाब मिल जाएगा पापा, समझे कि नहीं समझे? सगाई मुबारक हो आपको। तुम पार्टी से क्यों चले आए? घबरा गया। तुम पार्टी से क्यों चले आए? वहाँ इतने अमीर लोग थे। अरे बाबा राजू, तुम वहां से क्यों चले आए? राजू, साफ साफ क्यों नहीं कहते कि मेरा जिमी से सगाई करना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? भला मुझे क्यों अच्छा नहीं लगेगा? इसलिए कि मुझे भी अच्छा नहीं लगा। चोट तुम्हारे दिल पर लगे और मुझे दर्द महसूस ना हो। याद है राजू, तुमने एक दिन कहा था कि प्यार का सवाल तब तक अधूरा है जब तक वो खुद जवाब नहीं बन जाता। आज वो जवाब बन गया है। मैं कुछ समझा नहीं अनीता जी। अनीता जी नहीं, अनीता। ऐसे क्या देख रहे हो? बोलो, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? जी मैं वो क्या जी में वो लगा रखा है तुम्हें? मेरी कसम, बोलो तुम मुझसे प्यार करते हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये लो, है ना,
जवाब दिता तुसा कु अख नहीं वेखण वाली तू अख नहीं वेखण वाली चिट्टे वर्क कुरान दे तजहदी स्याही रंग दी काली गुलाम फरीदा दिल जिथे अड़ पवे गुलाम फरीदा दिल जिथे अड़ पवे ओ गोरी होवे अकाली बज रहे हैं अनीता 11 और तुम्हारा हीरो कहाँ है वो वो मैंने प्रफुल को भेजा आता ही होगा बैंड रिहर्सल है रात को शो है और हीरो का पता ही नहीं टू मच अनीता जी हीरो तो हॉस्पिटल में एडमिट है उसका ऑपरेशन होने वाला है व्हाट ओ गॉड ऑपरेशन तो अब पब्लिक हमारा करेगी इससे पहले के थिएटर की सीटें टूटे तो कैंसिल कर दो और पब्लिक का पैसा वापस करने का इंतजाम करो सर थोड़ी देर रुकिए ना सर क्या करूंगा रुक कर सर वो मैं क्या कर सकता हूँ बगैर हीरो के क्या करूंगा मैं अब तुम क्या समझते हो मैं हीरो बन सकता हूँ नहीं सर कोई ना कोई इंतजाम कर लेंगे सर क्या इंतजाम होगा जाओ कर सकते हो तो करो लेके आओ कोई हीरो सर मैं हीरो सर राजू 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 जरा यहाँ आना तो कब कब वो मैं देखो अनीता जो तुम सोच रही हो वो मैंने राजू युवराज का रोल नहीं सर मुझे कुछ नहीं आता सर चरक से तो युवराज लगते हो लेकिन एक्टिंग वेटिंग कर लोगे नहीं सर राजू बोलने को नहीं आता मेरे अरे मुझे नहीं आता सर इसे युवराज का रोल देखो तुम्हें मैं तुम्हारा करेक्टर समझा देता हूँ अरे किस मुसीबत में डाल रही है तुम्हारी असलियत ये है कि तुम एक रियासत के युवराज हो सच्चे प्यार की तलाश में तुम ताज तख्त छोड़कर राजमहलों से यहां भाग आए हो यहां तुम अपनी असलियत किसी को बताना नहीं चाहते ऐसा क्यों इसलिए कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हें वो प्यार मिले जो तुम्हें युवराज समझकर दिया जाए तुम्हें सच्चा प्यार चाहिए ऐसा प्यार जो एक साधारण आदमी के साथ किया जाए एक आम आदमी के साथ किया जाए उसके रुतबे या उसकी दौलत से नहीं सर हमेशा ऐसा क्यों होता है कि किसी साधारण आदमी को ही प्यार मिलता है किसी युवराज को नहीं मिलता क्या उस युवराज के सीने में दिल नहीं होता ए मिस्टर तुम्हारी शक्ल की जरा सी तारीफ कर दी तो तुम आसमान में उड़ने लग गए प्लीज रिलैक्स अरे अभी एक्टिंग का चांस नहीं मिला तुम्हें और तुम हम ही को सिलेक्शन देने लगे हो ये लो लाइन याद करो एक पार्ट इसे दे दो कमाल है यार यहां से याद कर लेना याद करना पड़ेगा इसे हाँ स्टार्ट
नाम से क्या फर्क पड़ता है नैना जी? नैना जी नहीं, नैना 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 देखकर नहीं पढ़ सकते तुम? ये तुम्हारी पहली मुलाकात नहीं, इससे पहले भी तुम उसे मिल चुके हो और तुम उसे मोहब्बत करने लगे हो। नैना का करैक्टर ये है कि वो झूठ से धोखे से नफरत करती है, और तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम उसे अपनी असलियत बता नहीं सकते। समझ में आई बात? जी। गुड, स्टार्ट। नाम से क्या फर्क पड़ता है नैना? दोस्ती शक्ल और नाम की मोहताज नहीं। दोस्ती तो दिलों का जज्बा है, दिल जिसे चाहता है ज्यादा से ज्यादा उसके नजदीक रहना चाहता है। शायद इसीलिए मुझे तुम्हारे बिना ये जिंदगी उदास लगती है, सारा जहां तुम्हारे बिना सुना सुना लगता है। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। वादा करो कि तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगे। वादा मांगे तो मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैं राजू नहीं हूं, मैं सचमुच का युवराज हूं। रामगढ़ स्टेट के महाराजा छत्रपाल सिंह मेरे पिता हैं। मैं महलों का बंधन तोड़ के सच्ची मोहब्बत की तलाश में यहां आया हूं, और वो मोहब्बत मुझे तुम में मिली है। मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करता हूं। अरे काट 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 काट, क्या बोल रहे हो तुम? क्या बोले जा रहे हो? ये छत्रपाल सिंह कहां से आ गए? कहां से आ गए रामगढ़? जो लिखा है वही बोलो, समझे? मुझसे ये डायलॉग वायलॉग याद नहीं होता, मैं ये एक्टिंग नहीं कर सकता। राजू काम नहीं है। अनीता रोको इसे, रोको। राजू सुनो तो, मेरे पास बात ही नहीं है। राजू सुनो, नहीं 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 राजू प्लीज, तुम ही बताओ, अगर ये शो नहीं हुआ तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? अरे बाबा, अगर स्टेज पे मैं कुछ का कुछ बोल गया तो? अच्छा तुम एक बात बताओ मुझे अनीता, अगर तुम्हें पता चला कि ये प्ले का जो कैरेक्टर है वो सचमुच का युवराज है और वो तुमसे अपनी असलियत छुपा रहा है तो मैं उसे जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। ये मेरी पर्सनल राय है, लेकिन तुम्हें इससे क्या? नहीं नहीं ऐसी, तुम पहले ये बताओ कि तुम ये शो करोगे या नहीं। अनीता मुझसे ये नहीं होगा, आई कैनॉट। ठीक है, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी राजू। अनीता आप रूठ रही हो। जिंदगी चार दिन की न रूठो सनम।
नहीं राजू, ना मिले कभी मत बोलना। उस दिन तुमने मुझसे एक वादा लिया था, आज तुम वादा करो कुछ भी हो जाए तो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ना। ये साथ जीवन भर का साथ है, मैं वादा करती हूँ जिंदगी भर साथ निभाऊंगी, प्रॉमिस। अरे ये अच्छा ये बताओ भी तुम्हें कौन सा पसंद? अच्छा भाई इसके पैसे ले लो। शो चले। सी यू गाइस, थैंक यू, बाय। जो मेरे और अनीता के बीच आएगा उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मारो इसे, मारो, हड्डियां तोड़ दो सारे के, और मारो, मारो साले को, सर पकड़ साले के, मारो। राजू, अरे ओए किधर गए पुत्र, हले उतर आए, ओए किसी मर्द की औलाद है तो लड़, इस मैदान में राजू है या तू है, लड़ चल पासे हो, चलो पीछे हटो, पीछे हटो, जा पीछे, चल लो। अब तुझ में और एक बेजान जानवर में कोई फर्क नहीं है जिमी, राजू एक बेजान जानवर पर हाथ नहीं उठाता है। मेरा बेटा होकर मार खा के आया है तू? अरे भगवान ने भी दिल दिमाग से नीचे बनाया है, इसलिए दिल से जज्बाती होकर उसे कभी दिमाग पर हावी मत होने देना, और आज की ये मार और आज की ये जिल्लत कभी नहीं भूलना, क्योंकि यही तुम्हारी ताकत होगी और यही तुम्हारी जीत। वकील साहब से मिलना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अनीता जी, अपने मरीजों का हाल देखने से पहले कुछ मेहमान आपका इंतजार कर रहे हैं, उनसे मिल लीजिएगा। अनीता जी, ये आपके लिए कोर्ट का ऑर्डर है। जिमी, ये क्या है? जी हाँ अनीता जी, ये सारी जगह मेरी है। अगर एक हफ्ते के अंदर तुमने मुझे 5 लाख रुपए नहीं दिए तो कानूनी तौर से मैं अपनी इस जगह पर कब्जा कर सकता हूं और तुम्हारे इन तमाम मरीजों को बाहर फिकवा सकता हूं। तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कर सकता? तुम्हें हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं अनीता। कर सकते हो तुम? इन मरीजों को बाहर निकाल के फेंक दोगे? ये मरीज जो अपने नई जिंदगी का सपना देख रहे हैं उन्हें तोड़ दोगे? मेरे इन सपनों को तोड़ सकते हो तुम? हाँ, तोड़ सकता हूं, तोड़ सकता हूं मैं। जैसे जैसे तुम्हारा ये सपना है ना, वैसे मेरा भी एक सपना है। कितने अरमानों से मैंने तुम्हारे लिए सुहाग का जोड़ा खरीदा था। सुनो,
अगर मेरा सपना टूट सकता है तो मैं किसी और का सपना साकार नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, मैं नहीं होने दूंगा। तुम अनीता को 5 लाख रुपए नहीं दोगे सेठी। लेकिन नारंग साहब, अनीता मेरी इकलौती बेटी है। जी जिमी भी मेरा इकलौता बेटा है। उस दिन इसके प्यार ने उसे बचा लिया। अब देखना यह है कि तुम अनीता को कितना प्यार करते हो। तुम उसे फर्श पे गिराना चाहते हो या कालीन पर? नहीं, नारंग साहब, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी बात समझ गया। मैं उसे 5 लाख रुपए नहीं दूंगा। समझे कि नहीं समझे? आज का ये भयानक सपना कल की हकीकत भी बन सकता है। डैडी ने भी पैसे देने से इनकार कर दिए। कहां से आएंगे 5 लाख रुपए? कहां से आएंगे? क्या बात है चाचा, आप सब लोग यहां? हम सब बहुत गरीब हैं बेटे। तुमने बस्ती में आकर जो हम पर प्यार की इतनी दौलत बांटी है, हर दिल तुम्हारी बहुत कदर करता है। यह हमारी तरफ से एक अखीर सा तोहफा है, लो। क्या है ये? अनीता बिटिया की मुसीबतों को दूर करने के लिए हम बस्ती वालों की एक छोटी सी कोशिश है बेटे। अपन कुल मिलाकर 55,000 इकट्ठा कर सका है। इसके सामने तो 55 करोड़ भी कोई कीमत नहीं रखते। आज आप लोगों ने यह साबित कर दिया कि खून के रिश्ते से प्रेम का रिश्ता बहुत ऊंचा होता है, मजबूत होता है। ये रख लीजिए। लेकिन बेटे, आप ड्रग सेंटर की फिक्र मत कीजिए चाचा, मैं उसे उजड़ने नहीं दूंगा। मैडम, आपका माल तो कब से रेडी है, आप कभी भी आके डिलीवरी ले सकते हैं। जी हाँ। आपका प्रोप्राइटर? यस सर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? देखिए, मेरे पास कुछ हीरे हैं, मैं इनकी कीमत नहीं जानता, लेकिन मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। लेकिन ये पत्थर भी तो हो सकते हैं, आप इनकी परख कर लीजिए। हाँ, एक मिनट। राजू, तुम यहाँ? मैं वो 5 लाख रुपए, मैंने सोचा इतनी बड़ी दुकान है, मैं इनसे उधार मांग लूँ। मैं राजू, तुम बड़े भोले हो राजू। ये बॉम्बे है, यहाँ एक बाप अपनी बेटी की मदद नहीं करता तो गैर क्या किसी की मदद करेगा। लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? मैं, ये मेरी माँ के गहने हैं तो सोचा गिरवी रख के। गिरवी? कुछ नहीं अनिता, ये मैं ये तुम्हें नहीं करने दूंगा, रख दो से। देखो, सारी मुसीबतों का कारण मैं हूं, रास्ता भी मैं ही निकालूंगा, रख दो। चलो आओ ना। सर, 5 लाख में सारे हीरे दे रहा था, जबकि एक हीरे की कीमत 20 लाख से ज्यादा है। ये तो रामगढ़ का हीरा है, इसका मतलब राजू वेटर ही महल से भागा हुआ युवराज है। क्या राजू वेटर युवराज है? हाँ बेटे, तुमने अनीता की कमजोरी नहीं समझी, उसकी कमजोरी है सच्चाई। वो ये नहीं जानती कि राजू वेटर ही महल से भागा हुआ रामगढ़ एस्टेट का युवराज है। आज इस हीरे से हम अनीता की मोहब्बत को नफरत में बदल देंगे। इस ड्रग सेंटर में आने के बाद जिंदगी में कुछ रोशनी की उम्मीद आई थी दोस्त, अब ये सेंटर ही टूट जाएगा तो ऐसा मत बोलो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जब तक मैं जिंदा हूं आप लोगों की उम्मीदें टूटने नहीं दूंगी।
आपकी बड़ी मेहरबानी अनीता जी, लेकिन अब तो आप भी मजबूर हैं। इतनी जल्दी 5 लाख रुपए कहाँ से लाएंगी? कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगी। अब मुझे अपने बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। पैसों की सख्त जरूरत है, मुझसे अनीता और सबकी तड़प देखी नहीं जाती। मैं बता दूंगा कि मैं युवराज हूं। राजू कहां खो गए? अनीता, अगर तुम मुझे गलत ना समझो तो मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूं। क्या अनीता? दरअसल मैं ये... नारंग अंकल, आप युवराज के जय हो। मुझे नारंग कहते हैं, आपके पिता रामगढ़ एस्टेट के महाराज का छोटा सा मुलाजिम समझिए। एक छोटे से होटल में एक मामूली वेटर बनने की क्या जरूरत थी आपको? मैं यही तो... वो तो मुझे ज्वेलरी शॉप से पता चला कि आप अपने खानदानी हीरे बेचने निकले। आपने मुझे फोन कर दिया था, ये पैसे इन्हें दे दो। और अनीता बेटे, जिमी से हमें सब कुछ मालूम पड़ गया। ये रहे जमीन के कागजात, आज से ये जमीन तुम्हारी है। अब तुम्हारा ये ड्रग सेंटर है ना, कोई नहीं तोड़ेगा। तो तुम रामगढ़ के युवराज हो? मैं यही तो तुम्हें बताना चाहता था अनीता। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी राजू। अनीता, अनीता, सुनो तो अनीता, अनीता, अजी, रुको तो, अरे मुझे सफाई पेश करने का मौका तो दो। क्या कहेंगे आप, युवराज, रामगढ़ के युवराज, क्या सफाई देंगे अपने झूठ की? क्या आप मजाक कर रहे थे? क्या आप पर्दा डालेंगे अपने फरेब पर कि मेरा दिल बहलाने का शौक पूरा कर रहे थे आप? कितने मीठे लफ्जों से छुपाए अपने इस धोखे को? मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया अनीता। नहीं, तुमने मुझसे अपनी असली छुपाई, क्या ये धोखा नहीं? झूठ बोलकर मेरे अरमानों से खेलते रहे, क्या ये धोखा नहीं? किसी दूसरे के नाम से प्रेम पत्र लिखते रहे, क्या ये धोखा नहीं? नहीं, क्या सोचकर तुमने वो खत लिखे थे कि मैं तुम्हारी अमीरी के जाल में फंस जाऊंगी, बिक जाऊंगी तुम्हारे मेल के खजाने के हाथों, बिक जाऊंगी? तुमने मुझे और मेरे प्यार को इतना सस्ता समझा। कहते थे मेरी कुंडली में प्रेम योग लिखा है, प्रेम योग, झूठ को प्रेम कहते हो तुम, झूठ को प्रेम कहते हो तुम। अनीता, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं कहा। अभी आज तुमने मुझसे झूठ कहा राजू, ज्वेलरी शॉप में हीरे बेचने गए और मुझसे कहा कि 5 लाख रुपए मांगने गए थे, और मैं बेवकूफों की तरह पागल तुम्हारी सादगी पर यकीन करती रही, विश्वास करती रही, भोला समझती रही तुम्हें। मैं, तुम मक्कार हो राजू, धोखेबाज हो। तुमने सच्चाई से, शराफत से, इंसानियत से मेरा विश्वास उठा दिया। अब तुमसे मेरा कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। कोई भरोसा नहीं शेयर बाजार का, हर रोज नए इश्यू निकलते रहते हैं। नहीं नहीं, खमा गणी महाराज, हाँ बधाई हो, युवराज का पता चल गया है। वो बंबई की एक गरीब बस्ती में गरीब बन के जिंदगी गुजार रहे हैं। बंबई जाने की
महाराज। राजकुमार कहाँ है? राजकुमार आए थे, चले गए। आप अंदर आइए ना। राजकुमार को कह देना कि ताजमहल होटल आ जाए। जी महाराज। वो लड़की कौन है? लड़की कौन? लड़की अंदर कोई लड़की नहीं है। वो लड़की वो क्या है कि वो सेठी गार्डन होटल की बेटी की मालिक, नहीं नहीं नहीं, उसके मालिक की बेटी है। ये सेठी रहता कहाँ है? कहाँ है? वार्डन रोड। आप यहाँ से लेफ्ट जाइए, फिर उसके बाद राइट जाइए, हाईवे आएगा, उसके बाद लोवे आएगा, उसके बाद पुल आएगा, उसके बाद चौपाटी आएगी और उसके बाद हम दोनों मर जाएंगे। वेलकम वेलकम वेलकम, आइए आइए आइए। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ महाराज? तुम अगर इस वक्त रामगढ़ में होते तो तुम्हारी सजा सजाए मौत से कम ना होती। मौत? मेरी? मेरा कसूर क्या है? तुमने हमारे राजघराने की इज्जत को गाली दी है। हमारी राजगद्दी के हकदार हमारे युवराज को अपने होटल में एक वेटर बनाकर रखा, तुम्हारी ये जरूरत? वेटर? युवराज? राजू? वो राजकुमार, वो आपका बेटा है महाराज? मुझे मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि वो युवराज है। हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं, हम तुम्हारी जागीर, तुम्हारा होटल, तुम्हारी जिंदगी तक को खरीद लेंगे। कहां है तुम्हारी वो बेटी जिसने हमारे युवराज को अपने प्यार के जाल में फंसाकर महलों में रहने के ख्वाब देखे? नहीं 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 महाराज, वो राजकुमार से सच्चा प्यार करती है, समझे कि नहीं समझे? हाँ, हमारे राजघराने में प्यार करने की इजाजत नहीं दी जाती। बुला अपनी बेटी को और पूछो उससे क्या दाम लगाया उसने अपने प्यार का। महाराज ये क्या कह रहे हैं? महारानी, हर चीज जो बिकाऊ होती है उसकी कीमत होती है। कहो कितना चाहिए तुम्हें? ए महाराज, महाराज तुम हो गए अपनी रियासत नहीं, हम इस घर के राजा हैं और हमारी बेटी इस घर की राजकुमारी है। इससे पहले कि मैं बदतमीजी की हद को पार कर जाऊं, चले जाइए यहां से। और हाँ, ले जाइएगा अपने वो वेटर राजकुमार को भी अपने साथ। गुस्सा महाराज, ये गुस्सा अपने बेटे पर निकालना, समझे कि नहीं समझे? पहली बार मेरे घर में आए हो इसलिए मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। तुम्हारी रियासत का वो राजकुमार मेरे होटल में एक मामूली वेटर है, उसकी एक महीने की तनख्वाह बाकी है, अपने साथ इसे भी लेते जाओ। चलिए चलिए महाराज, आप तो हमारी कसम, चलिए। मेरी बेटी की कीमत लगाने आया था। नारंग, तुम हमेशा कहते हो ना कि तुम किसी को भी फर्श या कालीन पर गिरा सकते हो। तुम कहना क्या चाहते हो सेठी? मैं अपनी बेटी अनीता की शादी तुम्हारे बेटे जिम्मी के साथ करना चाहता हूं। मेरी एक शर्त है। क्या? शादी आज ही होगी। आज ही नहीं बल्कि अभी। अंकल अंकल, बड़े अरमानों के साथ मैंने अनीता के लिए सुहाग का जोड़ा बनवाया, मैं चाहता हूँ कि आप उसे अपने साथ ले जाएं। ठीक है। जी महाराज, अपने आप को समझता क्या है? मेरी बेटी की कीमत लगाने आया था, समझे कि नहीं समझे? महाराज, रामगढ़ जाने से पहले हम आपसे एक इजाजत चाहते हैं। लगता है तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए। जी महाराज, और साथ में जीने का मकसद भी। कैसा मकसद? कुछ यादें जो शहद से ज्यादा मीठी हैं, जिसके सहारे हम जहर से ज्यादा कड़वी आपके महल की जिंदगी को काट सकेंगे। अगर आज्ञा हो तो हम उन यादों को देने वाले मसीहा को आखिरी सलाम करना चाहते हैं। इजाजत है। मसीहा? जी, क्या मैं
मैं यहाँ कोई शिकायत करने नहीं आया हूँ, सिर्फ एक पर्दा उठाने आया हूँ। झूठ का वो पर्दा जो हमारे प्यार और आपके सुनों के बीच आ गया। मैं हमेशा के लिए आपकी नजरों से दूर जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले अपने दिल पर झूठ के इल्जाम का बोझ लेकर नहीं जाना चाहता था। मैंने तो आपके पूछने पर बता दिया था कि मेरे माँ बाप महारानी महाराजा हैं, लेकिन लेकिन आप ही ने उसे सच नहीं माना। आपने मुझसे वादा लिया था कि हम जिंदगी भर अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे, मैं अपना वादा कभी नहीं भूलूंगा। हाँ, वो दूसरी बात है कि आप जिंदगी भर साथ निभाने का वादा भूल गई। शादी मुबारक हो। मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करता रहूंगा कि आप खुश रहें, आपकी आंखों में कभी आंसू ना आए। चाचा, यहां इतना अंधेरा क्यों? कुछ दिनों पहले इस बस्ती के आसमान पर प्यार मोहब्बत का एक सूरज जगमगाया था, जिसने अपनी रोशनी से यहां के रहने वालों के दिलों में उजाला कर दिया था। आज वो सूरज हमसे दूर जा रहा है तो अंधेरा ही होगा ना। याद है चाचा, आप ही ने मुझसे एक दिन कहा था कि प्यार वो इत्र है जिसे जितना दूसरों पर छिड़को उतनी ही खुशबू तुमसे आएगी। अरे, मैं तो आप लोगों के प्यार की खुशबू अपने दिल में भरकर ले जा रहा हूं, इसकी महक तो हमेशा मेरे साथ रहेगी। राजकुमार। ये क्या चाचा, मैं तो आपके लिए राजू हूं। राजू बेटे, हम बस्सी वाले ये तोहफा महाराज को देना चाहते हैं। महाराज, महाराज, ये बस्ती वाले आपको कुछ देना चाहते हैं। ये सब क्या है? लीजिए। ये अनाज, ये पानी, ये मिट्टी, ये क्या है? महाराज, आपके महलों की रोटी हम गरीबों की रोटी से मुलायम जरूर होती है, लेकिन बनती इसी अनाज से है। आप पानी चांदी के प्यालों में पीते हैं, लेकिन पानी का रंग यही है। आपके महलों का फर्श संगमरमर का होता है, लेकिन बनता इसी मिट्टी से है। तुम कहना क्या चाहते हो? सिर्फ ये सच कि आदमी अमीर हो या गरीब, जिंदा रहने के लिए उसकी जरूरतें एक ही होती हैं। यह सच्चाई हमें राजकुमार ने बताई। महाराज, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन प्यार की दौलत जितनी यहां है शायद आपके महलों में नहीं। इसे कबूल कर लीजिए। एक दिन यह सच्चाई आप पर जाहिर होगी और आपके दिल से राजा और रंग का फर्क मिट जाएगा। लीजिए। महाराज, क्या मैं गणपत, भूल से अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो या कोई गलती की हो? नहीं राजू, ऐसा मत बोलो, मत बोलो ऐसा। अपन को तुम दोनों का बहुत याद आएगा राजकुमार। अरे यार, याद तो तुम लोग भी मुझे बहुत आओगे। चाचा, ये कुछ हीरे हैं, इनकी कीमत तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर आप इन्हें बेचकर इस बस्ती में एक अस्पताल और स्कूल बनाएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अदाफिस। अच्छा चाचा, चलता हूं।
वाह साहब वाह, आज आपने बिना सुई धागे के हमारे दिल को अपने दिल से जोड़ दिया। चलिए हमारा नाम भी इस किताब में लिख लीजिए। लेकिन आपके प्यार से ज्यादा तो नहीं है, हाँ? चलता हूं। चलो दोस्त। चाचा यकीन नहीं आता कि राजू अपन को छोड़ के चला गया। वो हमसे दूर कहीं नहीं जा सकता बेटे, वो तो हमारे दिलों में है। उसने बस्ती वालों के लिए सब कुछ किया लेकिन हमने उसके बदले में कुछ नहीं किया। पन अगर अनीता और राजू नहीं मिल सके तो? ऐसा नहीं होगा। राजू को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है अनीता बेटी। अनीता? अनीता, हमारा राजकुमार हमें छोड़कर चला गया है। हमारी बस्ती की सारी खुशियां उसके साथ चली गई हैं। हमें हमारा राजकुमार दिला दो, तुम्हें तुम्हारे प्यार की कसम। पुत्र रोहे, तू ही हमारे राजकुमार को वापस ला सकती है। देख मैं तेरे सामने हाथ छोड़ता हूं, किसी भी तरह हमारे राजकुमार को ले आ। वो बड़ा नेक इंसान है, हम गरीबों का दाता है, मसीहा है। बेटी तुम भी तो उससे बहुत प्यार करती हो, अपने दिल से पूछो क्या उसके बगैर तुम खुश रह पाओगी, उसकी याद को दिल से भुला पाओगी। बेटी तुम दोनों ने इस नाचीज को हमेशा इज्जत बख्शी है, अपनी मोहब्बत के लिए आशीर्वाद दिया है, आज उसी इज्जत का वास्ता बेटी, रोक ले उसे, रोक ले उसे। हमारे खातिर रोक लो, अपने प्यार की खातिर रोक लो। बेटी अगर एक बार वो महलों में चला गया तो दोबारा फिर कभी नहीं आ सकेगा। अपने आप को धोखा मत दो, अपनी मोहब्बत पर जुल्म मत ढाओ, रोक लो उसे, रोक लो। बेटी, बेटी, इन नेक फरिश्तों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। इन्होंने मुझे एहसास दिलवा दिया कि सच्चे प्यार से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। तू जा बेटी, इनके साथ जा और अपने प्यार को रोक ले। जा बेटी, जा, जा। मैं भी उसे रोकने की कोशिश करूंगा। जा बेटी। आओ बेटी। भगवान तेरे प्यार को सलामत रखे बेटी। हटिए नारंग साहब। अरे नारंग साहब, आप यहां जश्न मना रहे हो, उधर अनीता ने शादी से इनकार कर दिया है और बस्ती वाले उसे लेकर युवराज को रोकने गए। नहीं, नहीं, हट जाओ। उसने नारंग की इज्जत का रंग उतारने की कोशिश की है। सारे शहर को आग के रंग से रंग दूंगा मैं। कोई रास्ता नहीं मिलेगा शहर से बाहर निकलने का, और ऐसे जला के राख कर दूंगा कि रामगढ़ के महाराज और युवराज की पहचान तक नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। गणपति चला और तेज चला। गणपत और तेज चला। चला रहा हूं भाई, चला रहा हूं। गणपत जल्दी। बेटी फिक्र मत कर, हम वक्त पर पहुंच जाएंगे। ओए गणपत जल्दी चलिए आ रहे। आप प्लीज प्लीज, अरे आप बाहर चलिए। देखिए नहीं, मैं आपको लौट का वास्ता देता हूं। अरे कोई वास्ता नहीं, आप चलिए। मेरी बात तो सुनिए। देखिए, अरे आप मेरी बात सुनिए, चलिए बाहर चलिए आप। माय प्रिंसेस का। अरे चलिए आप, अरे गॉड सेक, आप सुनते क्यों नहीं, चलिए आप बाहर चलिए। देखिए बेटा, ये बोल सक। अरे बाबा आप, चाचा जी,
आइए। राजू बेटे अनीता को बचा ले। वो सारे बंधन तोड़कर तेरे पास आ रही थी कि जिम्मी के गुंडों ने उसे अगवा कर लिया। तुम्हें अनीता के प्यार का वास्ता, उसे बचा लो। राजू तुझे अनीता के प्यार की कसम, उसे जाके बचा ले। बेटे इनके आंसू का हर कतरा यह बताता है कि तुमने सचमुच इनके दिलों पर राज किया। आज हमें यकीन हो गया है कि इंसान की कुंडली में राजयोग नहीं प्रेम योग होना चाहिए। आ बेटे जा, जा हमारी बहू को लेकर आ, जा जा बेटे। शुक्रिया नारंग, तेरा बैंड बजाने आ रहे हैं हम। ये है हमारा बेटा। तू क्या समझता था कि तू नारंग की इज्जत का रंग उतारेगा? बेटी बेटी छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो बेटी को। अनीता अगर तुम अपने बाप की जान बचाना चाहती हो तो तुम्हें जिमी के साथ अग्नि के साथ फेरे लेने होंगे। ले जाओ इसे। चलिए पंडित जी शुरू कीजिए। चलिए चलिए। नारंग जब अपना रंग बदलता है तो अपने दुश्मनों की जिंदगी हमेशा के लिए बेरंग कर देता है। ये बात तुम भूल गए थे ना सेठी? कहो अपनी बेटी से कि फेरे शुरू करे। कहो बेटी को छोड़ दो। तूने नारंग की इज्जत का रंग उतारने की कोशिश की थी ना? नारंग मेरी बेटी को छोड़ दे। ये तो सिर्फ एक नमूना था अनीता। अगर तूने फेरे शुरू नहीं किए तो तुझे तेरे बाप की लाश मिलेगी। अकलमंदी इसी में है अनीता कि तुम मेरे साथ साथ फेरे ले लो। मेरी चिंता मत करना, मेरी चिंता मत करना बेटी, मेरे मत लेना बेटी, मेरे मत लेना। बेरंगों का रंग मैं ठीक करता हूं। तुम जाओ अपने प्रेम की रक्षा करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। या देवी सर्वशक्तिमान, रुक जा गुलशन। अगर इस रिमोट का बटन दबा या ये जमीन पर गिरा तो तेरे युवराज और उसके प्यार का नामो निशान तक नहीं मिलेगा। हमारा बेटा सर्वस्य बुद्धि।
नहीं उठाना गुलशन, हाथ नहीं उठाना। ये मेरे नहीं हो सकते तो ये और किसी के नहीं होगी। जय माता दी।
अख नहीं वेखण वाली चिट्टे वर्त कुरान दे तजहद स्याही रंग दी काली गुलाम फरीदा दिल जिथे अड़ पवे गुलाम फरीदा दिल जिथे अड़ पवे ओ गोरी होवे या काली जानब तू मैं दिन भी तू ईमान